अगर आप में से कोई भैया लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं और उनकी अगर आइसक्रीम की शॉप होगी तो आप बेशक मेरी इस आइसक्रीम की रेसिपी को खुद बनाकर अपने शॉप में बेचने के लिए रख सकते हैं। मेरी गारंटी है ये लोगों को बहुत पसंद आएगी। और रही बात दोस्तों आज की हमारी इस आइसक्रीम की रेसिपी में, मैंने ना तो कोई मिल्क पाउडर, ना मैदा, ना कंडेंस मिल्क, ना कस्टर्ड पाउडर, ना कोई आइसक्रीम की पाउडर जैसे GMS CMS पाउडर, ये कुछ भी हमने यूज़ नहीं किया है। इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं, विद क्रीम भी और विदाउट क्रीम भी। तो चलिए फ्रेंड्स बेहतरीन आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ये दो बर्तन लिए हैं। आज हम फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, बफेलो मिल्क का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इस बड़े बर्तन में, बड़ी कढ़ाई में हम डाल देंगे 750 ml मिल्क, और जो पैन है इसके अंदर हम डालेंगे 250 ml मिल्क। दोनों दूध को मिला के, ये 1 लीटर जितना दूध है, मैंने इसे 750 ml और 250 ml ऐसा करके डिवाइड किया है। ये दोनों बर्तन हम गैस के ऊपर रख देते हैं अलग अलग उबलने के लिए। पैन में थोड़ी सी ही क्वांटिटी में दूध है तो ये बहुत ही जल्दी गर्म हो जाएगा। ये ऊपर जो मलाई जम रही है इसे हमें मिक्स करते हुए दूध में ही मिलाना है। ये किनारे में जो भी चिपकती जाएगी मलाई, इसे भी हम छुड़ाते हुए इस दूध में मिक्स करेंगे। आपको इस दूध को हाई फ्लेम के ऊपर लगातार चलाते रहना है, और गैस की दूसरी तरफ, कढ़ाई में एक तरफ जो दूसरा दूध है, 750 ml जो दूध हमने रखा है, वो भी आराम से उबल रहा है। आप इसे चलाते रहिए। हमें क्या करना है, इस दूध में जितना भी पानी है उसे सुखाना है। तो बेसिकली फ्रेंड्स हमें इस दूध को सुखा कर इसका मावा बनाना है। तो चलिए फ्रेंड्स इस दूध के ऊपर तो हम नज़र रखेंगे ही, लेकिन तब तक हम एक काम ख़त्म कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे दो बाउल लिए हैं। एक बाउल में हम डालेंगे 18 से 20 बादाम और 18 से 20 काजू, और इन दोनों में मैंने उबलता हुआ पानी गर्म किया है, एकदम हॉट ये वाटर है, ये हम इसके अंदर मिला देते हैं। इतना पानी डालना है कि ये अच्छी तरह से पानी में डूब जाए, और इसे ऐसे ही किचन काउंटर टॉप के ऊपर छोड़ देना है 10-15 मिनट के लिए, ताकि थोड़े से भीग जाएंगे। चलिए दूध की तरफ चलते हैं फिर से। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ ही मिनट के अंदर आपको दूध कुछ इस तरह से नजर आएगा, एकदम गाढ़ा हो चुका होगा, इसमें दाने बनना शुरू हो चुका है। ये जो मलाई है, मलाई के ही ये दाने बनते हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड्स जब दूध इस तरह की स्टेज में आ जाता है, मतलब सूखने की स्टेज में जब वो जाता है, तब दूध बहुत तेज़ी से उफनता है, एकदम उछलता है ये दूध, तो इसकी छींटे हाथ पर भी उड़ सकती हैं। तो आपको अगर डर लगता है तो हाथ के ऊपर आप कोई कपड़ा लपेट लेना, क्योंकि फिर आपको, मतलब इसकी वजह से आपका हाथ जले नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ ही देर के अंदर ये कुछ आपको इस तरह से नजर आएगा, ये बिल्कुल जम चुका होगा इस तरह से। ये आपको चलाते रहना है, ये नीचे लगना नहीं चाहिए। इस वक्त आप गैस की फ्लेम को लो पर कर दीजिए। ये मैं आपको बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर ये जल गया तो इसकी वजह से आपके आइसक्रीम का स्वाद बिगड़ सकता है। ये पैन में बिल्कुल इस तरह से जमा हो जाता है एक जगह आके, तो आप समझ जाइएगा कि ये तैयार हो चुका है। हम इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं और ये बॉल हम रख देंगे फ्रिज के अंदर थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। चलिए एक काम तो हमारा खत्म हो गया। यहाँ पे इसके अंदर जो ये हमने गर्म पानी डाल के रखा था, अब ये पानी इतना गर्म है कि हम इसे हाथ से आराम से छू सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जस्ट थोड़ा सा दबाने से छिलका अलग हो जाता है बादाम का। अब आप सोच लेंगे कि ये छिलके निकालने की ज़रूरत क्या थी। देखिए दोस्तों अगर मैं इसे छिलके के साथ ही पीस लेती तो मतलब एकदम वाइट प्यूरे नहीं मिलती है इसकी, ये छिलके पीसने में थोड़ी सी दिक्कत देते हैं, और मुझे एकदम क्रीमी वाइट कलर की इसकी पेस्ट चाहिए, तो इसलिए मैंने ये छिलके निकालना बेहतर समझा। और भिगाने की मदद से हमें पीसने में भी बहुत आसानी मिल जाती हैं। तो ये दोनों को अब हम मिक्सी जार में ले लेंगे, बिना पानी डाले लेंगे, पानी अभी नहीं डालना, ये पानी निथारते हुए हम लेंगे। एक साथ बादाम भी और ये काजू भी, दोनों को मैंने ले लिया है, सूखा सा पीस लेंगे पहले। ये देखिए फ्रेंड्स ये कुछ आपको इस तरह से नजर आएगा। फिर अब हमें इसमें पानी मिलाना है थोड़ा सा, 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे, फिर से पीसेंगे। हमें इसकी एक पेस्ट बनाने ली है, एकदम स्मूथ पेस्ट, तो ये कुछ आपको इस तरह से मिल जाएगी। गैस की दूसरी तरफ कढ़ाई में जो हमने 750 ml दूध उबलने के लिए रखा हुआ था, ये अभी आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये 750 ml से आकर 500 ml तक आ चुका है, मतलब थोड़ा सा ये रिड्यूस हो चुका है। अब इस समय हम इसमें मिलाएंगे जो काजू और बादाम की पेस्ट प्यूरे हमने बना के रखी है, वो ये मैंने डाल दी, और इसे हम चलाते रहेंगे। ये नीचे से लगना नहीं चाहिए तो इसको चलाते रहिए। इस वक्त गैस की फ्लेम मीडियम पर है। इस पेस्ट को मैंने अब इस दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब आप देखना ये गैस की फ्लेम को मैं इस समय अभी हाई पे कर रही हूँ, दूध उबलेगा तो आप कमाल देखना इस पेस्ट की वजह से, बिल्कुल ऐसा नज़र आएगा जैसे कि हमने इसमें कोई कस्टर्ड पाउडर या कॉर्नफ्लावर मैदा ऐसी कुछ चीज़ मिलाई हो। ये इतना क्रीमी हो चुका होगा, ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया इसका टेक्स्चर आया है। और बादाम का स्वाद तो भाई बादाम का ही स्वाद होता है आखिर। तो काजू बादाम की पेस्ट ने इसमें अपना कमाल कर दिया है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा थिक हो चुका है। इस तरह की इसकी जब कंसिस्टेंसी आ जाए तब हम इसमें मिठास मिलानी है, यानी कि चीनी मैं मिला रही हूँ। तो मैं यहाँ पर लगभग आधा कप जितनी चीनी ले रही हूँ, ग्राम में ये लगभग 100 ग्राम्स के करीब होगी। चीनी कम ज़्यादा हो सकती है आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, चीनी डाले थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, मिक्स करेंगे। ये फिर से दूसरी बार में डाल रही हूँ और अच्छी तरह से अब हम इसको मिक्स करेंगे। चीनी अपना पानी छोड़ेगी तो ये मिक्सचर फिर से थोड़ा सा लिक्विड आपको नजर आएगा।
अब हम इसमें स्वाद के लिए मिला देते हैं थोड़ी सी इलायची की पाउडर। तो ये आधा चम्मच जितनी इलायची पाउडर मैंने डाल दी, हम इसे मिक्स करते हैं। मेरे पास यहाँ पर फ्रेश ताज़ा दूध के ऊपर की मलाई है, ये एक दिन की मलाई भी आप ले सकते हैं। ये दूध के ऊपर जो मलाई आती है अलग से मैंने निकाल ली है, ये हम इसमें डाल देंगे और मिक्स करेंगे। ये नहीं आपके पास तो आप अमूल की क्रीम भी ले सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारा सिर्फ अभी आधा ही काम हुआ है, आधा काम अभी हमारा बाकी है। ये सिर्फ अभी एक बेस तैयार हुआ है, इसको आइसक्रीम का टेक्सचर देना अभी हमारा बाकी है। तो यहाँ पे मैंने इस मलाई को इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे खोया या मावा जो हमने फ्रिज में रखा हुआ था। ये लगभग 100 ग्राम के करीब होगा खोया। अगर मैं इसे कप में दिखा दूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स, आधा कप जितना ये खोया है। ये हम डाल देते हैं इसके अंदर और इसको चलाते रहेंगे। मावा को भी दूध के अंदर हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अगर इस दूध के अंदर आपको थोड़े से लम्स नजर आए तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, हमें इसके आगे और थोड़ी प्रोसेस करनी है जिससे ये लम्स खत्म हो जाएंगे। इस मिक्सचर की कंसिस्टेंसी हमें कुछ इस तरह की चाहिए। इस वक्त मैंने गैस को बंद कर दिया है और अब हम इस कढ़ाई के अंदर ही इसको 10-15 मिनट के लिए ठंडा हो जाने देंगे। ये मैंने ठंडा कर लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है एक पतीला जिसमें मैं इसको ट्रांसफर कर रही हूँ। मैं मशीन का इस्तेमाल करने वाली हूँ। अगर आपके पास मशीन ना हो तो ये मिक्सचर जैसे मैंने पतीले में निकाला, आपने सीधा इसको मिक्सी जार में निकालना है और थोड़ा सा मिक्सी को चला लेना है। ये मैं मशीन का इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसे 2 मिनट के लिए हाई स्पीड के ऊपर मैंने अच्छी तरह से व्हिप कर लिया है। तो देखिए दोस्तों क्या बढ़िया टेक्सचर आ चुका है इसको। अगर जिन लोगों के पास अभी क्रीम नहीं है वो इस आइसक्रीम को डायरेक्टली कंटेनर में डालकर रेफ्रिजरेटर के अंदर रख सकते हैं। अभी तो फिलहाल हमें सिर्फ इसे 2 घंटे के लिए रखना है, बाद में हम इसे फिर से चर्न करेंगे। लेकिन जिन लोगों के पास क्रीम है, जैसे कि मेरे पास हेवी क्रीम है जो हम केक के ऊपर सजाने में इस्तेमाल करते हैं, ये वही वाली क्रीम है। ये मैं ले रही हूँ लगभग आधा कप। ये ग्राम में अगर देखेंगे तो ये 100 ग्राम के करीब है। ये क्रीम अभी अभी मैंने फ्रीजर से निकाली है, एकदम चिल्ड है ये, बहुत ही ठंडी ठंडी क्रीम। ये हम इसको करना स्टार्ट करेंगे। तो मेरे पास ये मशीन है, मशीन का इस्तेमाल कर रही हूं। तो यहां पे मैंने इसको इतना व्हिप किया है कि इसमें इस तरह के स्टीव पिक जब तक फॉर्म नहीं हो जाते आपको इसे व्हिप करना है। मुझे 2.5 से 3 मिनट लगे थे। टाइम थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है कि आपकी क्रीम कितनी चिल्ड है, ये टाइम इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये देखिए दोस्तों हमारी इस क्रीम में स्टीव पीक फॉर्म हो चुके हैं। अब जो मिक्सचर हमने थोड़ा सा बचा के रखा था, वो मिक्सचर जो हमारा आइसक्रीम का बेस है, ये हम इसमें मिला देंगे और इसको फिर से 1 या 2 मिनट के लिए हम व्हिप कर लेंगे हाई स्पीड के ऊपर। तो वाओ, ये देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया हो चुका है इसका टेक्सचर, एकदम अमेजिंग। तो दोस्तों आपको आपकी आइसक्रीम का टेक्सचर कुछ इस तरह का नजर आएगा, क्रीमी भी होगा, दानेदार भी होगा। क्रीमी तो ये क्रीम की वजह से बना है और दाने तो इसमें मावा की वजह से आए हैं। एकदम बढ़िया ये हो चुका है। अब दोस्तों ये जो आपको थोड़ा सा व्हाइट नजर आ रहा है ये क्रीम की वजह से है। अब आपको क्या करना है, इसी के ऊपर फॉइल पेपर लगा दीजिए और हमें ये बॉल सीधा उठा के फ्रीजर के अंदर रखना है 2 घंटे के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब 2 घंटे हो चुके हैं। ये कंटेनर मैंने फ्रीजर के अंदर से निकाल लिया है। आइसक्रीम थोड़ी सी जम चुकी होगी, सेमी सॉलिड ये हो जाती है। अब हम इसे फिर से एक बोल में लेते हैं और इसे फिर से एक बार चर्न कर लेते हैं। ऐसा करने से इसमें आइस क्रिस्टल्स बिल्कुल भी नहीं जमेंगे, एक एरिएशन सी हो जाती है इसके अंदर। तो आइसक्रीम आपको खाने में बिल्कुल लाइट, फ्लफी और एकदम बढ़िया सी लगती है। और दोस्तों ये देखिए, इसमें हमने तो क्रीम डाली भी नहीं थी लेकिन फिर भी इसका टेक्स्चर कितना बढ़िया है। अगर आपके पास क्रीम ना हो तभी आइसक्रीम आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो फिर से उसी कंटेनर में मैं डाल देती हूँ, ऊपर से फॉइल पेपर लगा देते हैं, इससे भी इसके ऊपर कोई आइस नहीं जमेगी। ढक्कन लगा के अब हम इसे डीप फ्रीजर के अंदर पूरा जमने के लिए छोड़ देंगे, लगभग 6 से 8 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए। और अब जो हमने वो बाउल फ्रिज में रखा था जिसमें हमने व्हिपिंग क्रीम भी मिलाई है, तो ये फॉइल पेपर मैं यहाँ से हटा लेती हूँ और अब हम फिर से इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए, लेकिन फ्रेंड्स अभी तक ये आइसक्रीम पूरी तरह से जमी नहीं है, सिर्फ 2 घंटे हुए, लेकिन इसके क्रीमीनेस और इसके ये टेक्स्चर तो आप देखिए कितना बढ़िया आ रहा है। इसको बहुत बढ़िया बनेगी ये आइसक्रीम आगे जाके। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको चला लेती हूँ 2 मिनट के लिए। मीडियम टू हाई स्पीड के ऊपर मैंने इसको अच्छी तरह से व्हिप कर लिया है, बहुत क्रीमी ये हो चुकी हैं। अब एक कंटेनर में हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे, ऊपर से फॉइल पेपर लगा देंगे, आइस फॉर्मेशन ना हो इसलिए ढक्कन से ढक रहे हैं। और अब हम इसे फ्रीजर के अंदर रख देंगे 6 से 8 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसे ओवरनाइट रखा था। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जिसमें हमने क्रीम नहीं मिलाई थी वो वाला कंटेनर खोल रहे पहले। ये मैं आपको स्कूप आउट करके बताती हूँ कि ये कैसे बनी है हमारी। तो देखिए दोस्तों, वाह क्या बनी है ये आइसक्रीम। आप इसको ज़रूर एक बार बना के देखना, आपको ये बहुत पसंद आएगी, बचपन की याद आ जाएगी आपको ये आइसक्रीम खाकर। चलिए अब जो दूसरा कंटेनर था जिसमें हमने व्हिपिंग क्रीम के साथ मिक्स किया था हमारा आइसक्रीम बेस, उसको खोलते हैं। पेपर में निकाल रही हूँ यहाँ से। ये देखिए फ्रेंड्स क्या बढ़िया जमी है, एक ज़रा सा दाना भी नहीं है आइस का इसके अंदर। अगर इसी तरह से फिर से आप इसको ये फॉइल पेपर लगा के फ्रीजर के अंदर रखेंगे ना, तो 7 दिन तक भी इसके अंदर आइस नहीं जमेगी, ये ऐसी ही अच्छी रहेगी। 7 दिन तक तो टिकेगी भी नहीं मुझे लगता है, ये इतनी टेस्टी बनती है। चलिए इसको भी स्कूप आउट करके बता देती हूँ।
तो देखिए दोस्तों क्या बढ़िया लग रही है ये आइसक्रीम। वो जो अमूल के आइसक्रीम के पैकेट के ऊपर वो जो फोटो होती है ना, बिल्कुल उसी की तरह नजर आ रही है ना। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना और मुझे बताना कि ये आपको कैसी लगी। मेरी डॉटर ने मुझे कॉम्प्लीमेंट के तौर पर ये कहा था कि ये शामूल की आइसक्रीम तो अमूल से भी अच्छी बनी है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।